भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज की डेट में सिटिंग कैपेसिटी कम हो चुकी है, ईटिंग कैपेसिटी भी कम हो चुकी है, लिसनिंग कैपेसिटी भी कम हो चुकी है, वर्किंग कैपेसिटी भी कम हो चुकी है, मोबाइल वॉचिंग की कैपेसिटी बढ़ चुकी है। मैं समझ रहा हूँ क्योंकि 2 घंटे हो चुके हैं, खासतौर पे हमारे ये ऊपर वाले बैठे बच्चे ज़्यादा बोर हमको दिखाई दे रहे हैं। बोर हो गए क्या? नहीं, वैसे बोर हो भी गए हो कैसे बताएंगे बोर हो गए। सबसे पहले एकल परिवार को धन्यवाद देता हूँ, गोयल साहब, मित्तल साहब, अग्रवाल साहब। नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि सामान्यतया एकल परिवार में गोयल, मित्तल, अग्रवाल ही ज़्यादा है, तो एक एक नाम लेने से अच्छा है उसमें सब कंक्लूड हो गए। आजकल एक युवाओं को सुनाई पड़ता होगा इंस्टाग्राम वगैरह पे, डेमोक्रेसी इन डेंजर। सुनते हैं भाई, जरा पीछे वाले बताएं, लोकतंत्र खतरे में, ऐसा सुनते हैं क्या? सुनाई पड़ता होगा। इसमें कितने बच्चे लाके हैं? जरा हाथ उठाइए, लाके स्टूडेंट्स हाथ उठाएं, सब लोग लाके। तो प्रियम्बल तो सबने पढ़ा होगा, प्रियम्बल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वेलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, सोवरेंटी, ये क्या है इसका बेसिक स्ट्रक्चर। इसलिए संविधान सभा में ये कहा गया था, हम ये जो प्रियम्बल बना रहे हैं ये अब ये बदला नहीं जाएगा, संविधान में बदलाव होता रहेगा, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें बदलाव नहीं होगा। और मूल ढांचा क्या है? प्रियम्बल। क्या क्या उसमें लिखा हुआ है? डेमोक्रेसी, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सोवरेंटी, इक्वेलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। दुर्भाग्यवश आज की डेट में जो लोग कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, संविधान को बदला जा सकता है, उन लोगों ने 1976 में केवल संविधान नहीं बदला बल्कि संविधान का मूल ढांचा बदल दिया और उन 2 शब्दों को जोड़ा जिसको संविधान सभा ने 3 बार रिजेक्ट किया था। संविधान सभा में केटी साहब साहब तीन बार प्रस्ताव लाए कि हमारा देश, हमारे प्रियम्बल में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द आना चाहिए और 3 के 3 बार रिजेक्ट हो गया। याद रखिए, प्रियम्बल संविधान का मूल ढांचा है, प्रियम्बल को संविधान सभा कह चुकी है, इसको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं होगी। जो 2 शब्द डाले गए उसको 3 बार रिजेक्ट किया जा चुका था क्योंकि संविधान सभाओं ने कहा कि एक बार अगर प्रियम्बल में छेड़छाड़ शुरू हो गई तो इसकी कोई लिमिट नहीं होगी, क्योंकि अगर जोड़ने का अधिकार दे दिया पार्लियामेंट को, सरकार को, तो घटाने का भी अधिकार मिल जाएगा। संविधान निर्माताओं ने कहा कि अगर प्रियम्बल में कुछ जोड़ने का हमने राइट दिया तो यह भी हो सकता है किसी को 450 सीट आ जाए तो वो प्रियम्बल से डेमोक्रेसी निकाल दे। इसलिए संविधान निर्माताओं ने कहा कि प्रियम्बल में कोई ढांचा नहीं बदलना। और एक बात और, 1950 में संविधान सभा खत्म हो गई, जैसे हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को, उसके 2 दिन पहले 24 जनवरी को संविधान सभा की अंतिम बैठक बुलाई गई, संविधान सभा के सदस्यों ने साइन किया और उसी दिन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा खत्म। मार्च 76 में लोकसभा का टेन्योर खत्म, लोकसभा 5 साल की होती है, लोकसभा को विल ऑफ द पीपल कहते हैं, लोकसभा को लोगों का प्रतिनिधित्व माना गया है,
राज्यसभा को विल ऑफ द पीपल नहीं कहते, लोकसभा को विल ऑफ द पीपल कहते हैं, क्योंकि लोकसभा वाले सीधे जनता से चुन के आते। 1950 में संविधान सभा खत्म, मार्च 76 में लोकसभा खत्म, और दिसंबर 76 में संविधान का मूल ढांचा बदल दिया गया, और वो दो शब्द डाले गए जिसको संविधान सभा ने 3 बार रिजेक्ट किया था। दिसंबर 76 में ना लोकसभा है ना संविधान सभा है, कोई सभा नहीं है, और फिर भी संविधान का ढांचा बदल दिया गया। और आजकल लोग कह रहे हैं संविधान को बहुत बड़ा खतरा है, लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है। अरे लोकतंत्र को खतरा तो तुमने डेवलप कर दिया जब तुमने संविधान के मूल ढांचे को बदला, खतरा वहीं से शुरू हो गया। दूसरी बात, क्या वास्तव में भारत में सेकुलर शब्द की जरूरत है क्या? मामा और मौसा ये अलग अलग होते हैं या एक ही होते हैं? जरा पीछे वाले बच्चे बताएं जोर से, ये मामा और मौसा अलग अलग दो लोग होते हैं या एक ही होते हैं? चाचा और फूफा ये दोनों अलग अलग होते हैं या एक ही होते हैं? बुआ और मौसी और मामी ये तीन अलग अलग होते हैं कि एक ही होते हैं? अलग अलग होते हैं। लेकिन अंग्रेजी में ये फूफा, ये मामा, ये चाचा, ये मौसा, इसको क्या बोलते हैं? एक ही मानते हैं। क्या बोलते हैं? अंकल। अब खुद ही तुम सोचते रहो, अंकल का मतलब मामा, अंकल का मतलब चाचा, अंकल का मतलब फूफा, अंकल का मतलब मौसा। बुआ, मामी, चाची, फुफेरी मामी, फुफेरी जो भी है, ये सब क्या है? आंटी। तो उन देशों में जिनके पास शब्द नहीं है, पर्याप्त शब्द नहीं है, उनको समझ में आता है ठीक है संविधान सभा में सेकुलर डाल दो। अरे जब हमारे पास सारे संबंधों के लिए अलग अलग शब्द हैं, आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 इक्वल नो डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 17 नो अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 19 राइट टू आर्टिकल 19 राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रैक्टिस बिजनेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 21 राइट टू डिग्निटी, राइट टू इंटीग्रिटी, आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन। जब सारे अधिकार हमारे संविधान निर्माताओं ने अलग अलग दे दिया, कहने का मतलब जब हमारे पास मामा चाचा फूफा के लिए अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग व्यवस्था है, उनका अलग अलग सम्मान करने के लिए अलग अलग कुर्सी है, तो एक कुर्सी काहे लिए बना देना भाई सेकुलर की? इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने बोला था इसकी जरूरत नहीं है, 3 के 3 बार रिजेक्ट किया। दुर्भाग्यवश जो लोग कह रहे थे, जिन्होंने संविधान का ढांचा बदला, वही लोग इसको कह रहे हैं कि नहीं संविधान खतरे में। आपका टॉपिक शुरू से ये आ रहा था कि वोटिंग जरूरी है कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं। मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है, कोई भी व्यक्ति दो तरीके से काम करता है ठीक। पहली बात, उसके अंदर संस्कार कूट कूट के भरा हुआ हो। आप लोग इंजीनियरिंग करने आ चुके हैं, लॉ करने आ चुके हैं, आज तक आप लोगों से कभी ऐसे लिखवाया गया कि वोटिंग क्यों जरूरी है? ईमानदारी से बताना जरा, वोटिंग हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, वोटिंग क्यों करना चाहिए, वोटिंग के क्या लाभ हैं, ये कभी प्राइमरी में लिखाया गया? नहीं। इसका मतलब शिक्षा में डाला नहीं। दूसरा, कोई ऐसा कानून भी नहीं है कि वोटिंग नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। वोटिंग कम होने का दो ही कारण है, ना हमने वोटिंग को संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी बनाया, ना हमने वोटिंग को प्राइमरी के सिलेबस में डाल डाल के उस पर डिबेट कराई, ऐसे कंपटीशन करवाया, बार बार उसको रिपीट कराया, और दूसरा ना हमने वोटिंग के लिए कोई कानून बनाया। मैंने PIL फाइल किया था कि वोटिंग कंपलसरी होना चाहिए और ऑनलाइन वोटिंग की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। कोर्ट का ये कहना था ये हमारा काम नहीं है, कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। मैंने कहा ये मुझे भी पता था पार्लियामेंट का काम है, लेकिन आपने कम से कम नोटिस दे दिया तो कल को सरकार अगर वोटिंग कंपलसरी करेगी, कल को सरकार ऑनलाइन वोटिंग की फैसिलिटी लाएगी, तो कोई और PIL आएगी तो एडमिट नहीं होगा, इसलिए हमने पहले NOC ले लिया है। आने वाली सरकार इसको बनाए तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा,
ये जो प्रियम्बल बदला गया, मूल ढांचा बदला गया, आप लोग गूगल करिएगा, हमने इसको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, और हमने सुप्रीम कोर्ट में यही कहा है, जब संविधान सभा नहीं है, लोकसभा नहीं है, कोई मैंडेट नहीं है, इमरजेंसी लगी हुई है, इमरजेंसी 75 में शुरू हो चुकी थी, सारे लीडर ऑफ अपोजिशन जेल में थे, न्यूज चैनल केवल एक था डीडी न्यूज, वो सरकार के कंट्रोल में था, वो कुछ दिखा नहीं सकता था, जितने अखबार थे उनका बिजली पानी का कनेक्शन कटा हुआ था, अखबार वाले किराए का जनरेटर लेके अखबार छाप रहे थे 1975 में, उनका पानी का कनेक्शन कटा हुआ था, घर से बेचारे पानी लेके आते थे और शाम को जनरेटर चलता था तब फिर अखबार छपता था। ऐसे समय में आज लोकतंत्र की बात करने वालों ने 76 में इसको बदला था। खुशी इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन चल रही है, रिजेक्ट नहीं हुई है, एडमिट हुई हुई है, फिर जुलाई में सुनवाई होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो संविधान के साथ धोखा हुआ है, इस धोखे को या तो सुप्रीम कोर्ट ठीक करेगा या आने वाली संसद ठीक करेगी, लेकिन इस धोखे को ठीक करना जरूरी है, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर बदला गया उसको अंडू करना जरूरी है। रामायण में, उत्तरकांड में राम राज्य की चर्चा है, लिखा हुआ है सब नर करहिं परस्पर प्रीति और चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीति, अल्प मृत्यु नहीं कौनों पीरा और सब सुंदर सब बिरु शरीरा। गोस्वामी जी कहते हैं सब लोग परस्पर प्रीति करते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है, सब बड़े प्यार से रहते हैं। लेकिन उसी रामचरित मानस में भगवान श्री राम कहते हैं भय बिन होय न प्रीत। प्रीति कैसे होती है? भय होता है। दो भाई आपस में कब क्यों तब नहीं लड़ते जब पता है पिताजी अगर लड़ गए आपस में तो पिताजी क्या करेंगे? ठोकेंगे। संस्कार ऐसा हो कि सब प्रेम से रहे और कानून ऐसा हो कि मजबूरी में प्रेम से रहे। संस्कार ऐसा हो कि सब हेलमेट लगाएं और कानून ऐसा हो कि हेलमेट नहीं लगाया तो बाइक परमानेंट चली जाएगी। संस्कार ऐसा हो घर से स्टार्ट गाड़ी बाद में करें, पहले सीट बेल्ट लगा दें, और कानून ऐसा हो कि अगर सीट बेल्ट नहीं लगाया तो 50-60 हजार रुपए गए। संस्कार ऐसा हो कि भाई, एक भाई दूसरे भाई की जमीन पे कब्जा ना करे, और कानून ऐसा खौफ होना चाहिए कि अगर भाई की जमीन पे कब्जा कर लिया तो हम 10-20 साल के लिए गए। दुनिया के जिन देशों में झूठ को गंभीर अपराध घोषित किया गया है वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। और भारत में जब तक झूठ गंभीर अपराध था तब तक भारत विश्वगुरु था और भारत सोने की चिड़िया था। भारत में जो सबसे ज्यादा कैपिटल पनिशमेंट था वो झूठ बोलने पे था और देश के साथ देशद्रोह करने पे था। दुर्भाग्यवश आज की डेट में झूठ बोलना पाप तो है लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। अब झूठ बोलना अपराध नहीं है तो झूठी शिकायतें बढ़ रही हैं, झूठे FIR बढ़ रहे, झूठे मुकदमे बढ़ रहे, झूठी गवाही हो रही है, झूठे जजमेंट भी आ रहे, क्योंकि खौफ नहीं है। न शिकायतकर्ता को झूठ बोलने का खौफ है, न FIR लिखने वाले को झूठा FIR लिखने का खौफ है, न जांच करने वालों को झूठी जांच रिपोर्ट पेश करने का खौफ है, न झूठा फैसला देने वाले जज को झूठे फैसले का खौफ है, न झूठी गवाही देने वाले को झूठी गवाही का खौफ है, न झूठा एफिडेविट देने वाले को झूठा एफिडेविट का खौफ है। तो एक तरफ चूंकि शिक्षा में संस्कार नहीं है इसलिए झूठी शिकायत, झूठा मुकदमा, झूठी गवाही, झूठा एफिडेविट, झूठा फैसला, झूठी जांच, और कानून का खौफ नहीं है इसलिए झूठ झूठ झूठ। मेरा यह मानना है हम जो विकसित भारत बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं सब नर परस्पर प्रीति करें, सब लोग अपने अपने स्वधर्म का पालन करें, अल्प मृत्यु ना हो, अल्प मृत्यु नहीं कौनों पीरा,
और सब सुंदर सब बिरु शरीरा। आप लोग जिसको विकसित भारत कहते हैं, मैं उसको राम राज्य कहता हूं। तो आपका सपना हो सकता है, आप कहें कि भाई 2047 में विकसित भारत बनाएंगे, मैं मेरा ये सपना है कि 2047 में राम राज्य आ जाए। और राम राज्य की जो मेरी इंटरप्रिटेशन है वो चार वाक्यों की है, जरा जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, यही राम राज्य है। धर्म की जय करना समाज का काम है, जैसे अग्रवाल समाज, गोयल समाज, जैन समाज, माहेश्वरी समाज धर्म की जय कर रहा है एकल माध्यम के, एकल अभियान के माध्यम से। धर्म की जय करना समाज का काम है, लेकिन अधर्म का नाश करना समाज का काम नहीं है। अधर्म का नाश करने के लिए आप इनकम टैक्स देते हैं, TDS देते हैं, VAT देते हैं, GST देते हैं, आपने हवलदार अपॉइंट कर रखा है, आपने थानेदार अपॉइंट कर रखा है, आपने तहसीलदार अपॉइंट कर रखा है, आपने पेशकार अपॉइंट कर रखा है, आपने कलेक्टर अपॉइंट कर रखा है, आपने कमिश्नर अपॉइंट कर रखा है, आपने सांसद इकट्ठा कर रखा है, आपने विधायक बना रखा है। ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों का क्या काम है? अधर्म का नाश करना। विधायिका का काम है कठोर कानून बनाना, खौफ पैदा करने वाला कानून, जिससे अधर्म करने के पहले उसके रोएं कांप जाए। जुडिशरी का काम है इतने जल्दी जल्दी क्विक डिसीजन देना, आज आदमी अधर्म करे 6 महीने के अंदर सजा। और खबर पालिका जिसको मीडिया कहते हैं, इसका भी काम केवल समस्या दिखाना नहीं है, मीडिया का काम है समस्या, उसका मूल कारण, अस्थाई समाधान बताना। दुर्भाग्यवश ये चारों जो स्तंभ हैं ये थोड़े डगमगा गए, हिल गए, इन्हीं को जगाने की जरूरत है। ये आप जैसे युवा ही कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला शुरू हो जाए, भारत में रामराज्य आ जाएगा। और 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला कैसे होगा इसको समझिए। सबसे पहले तो कठोर कानून बनाना पड़ेगा, और कानून बनाने की कोई लागत आती है क्या? कानून बनाने का काम आप युवाओं को देना पड़ेगा। कैसे? आप लोग BLLB कर रहे होंगे, 5 साल का कर रहे होंगे ना, 5 साल का कोर्स है। हाँ, 5 साल का। भैया मैंने PIL फाइल किया था, हमने कहा जो लॉ का कोर्स कर रहे हैं इनको इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ा रहे हो, इनको पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़ा रहे हो, इनको सोशियोलॉजी क्यों पढ़ा रहे हो, इनको हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हो? अरे इनको ढंग का ला पढ़ाओ, केवल कानून पढ़ाओ। अगर इंजीनियरिंग करने वाले केवल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, आर्किटेक्ट करने वाले केवल आर्किटेक्ट पढ़ते हैं, डॉक्टरी करने वाले केवल मेडिकल का कोर्स करते हैं, तो ये ला करने वालों को आप दुनिया भर के ह्यूमैनिटीज क्यों पढ़ा रहे हो? इसको बंद करो, इनको दूसरा काम दो, इनको प्रोजेक्ट दो। 4 साल इनको पूरा ला जो पढ़ाना है पढ़ा लो। वैसे तो मेरा मानना है कि ला 4 साल में हो सकता है, अगर IIT से BTEC 4 साल में हो सकता है तो ला भी 4 साल में हो सकता है, 5वें साल की जरूरत ही नहीं। मैंने PIL फाइल किया था, आप लोग गूगल करिएगा, ला कोर्स, 4 ईयर ला कोर्स। अभी हाई कोर्ट ने बोला है कि अभी थोड़ा टाइम दे दीजिए बार काउंसिल को, अभी 1.5-2 महीने का बार काउंसिल को टाइम दिया, अगर बार काउंसिल कुछ नहीं करेगा जुलाई में फिर PIL करेंगे। कोशिश करूंगा इस बैच से नहीं, अगले बैच से आपका ला 4 साल का हो जाए। ला कर भारत में 1700 ला कॉलेज हैं, अगर प्रत्येक ला कॉलेज में प्रोजेक्ट के रूप में फाइनल ईयर में यह कह दिया जाए आप लोग भारत के कानूनों को, जो तथाकथित डेवलप्ड कंट्री हैं उनके कानूनों से कंपेयर करिए, और कंपेयर करके बेस्ट कानून का ड्राफ्ट बनाइए। अगर आपको फाइनल ईयर में काम दे दिया जाए कि आपको इंडियन पिनल कोड को अमेरिका के फेडरल पिनल कोड, फ्रांस के जो पिनल कोड है, सिंगापुर के पिनल कोड से कंपेरेटिव एक चार्ट बनाना है और सबसे बढ़िया ड्राफ्ट बना के देना है, तो अच्छी बात यह होगी, हमारे बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। अभी वो क्या हो रहा है, भारत के कानूनों को सीख रहे हैं, भारत के ही कानूनों को पढ़ रहे हैं, भारत का CRPC पढ़ रहे हैं, भारत का IPC पढ़ रहे हैं, भारत का एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं, दुनिया में क्या चल रहा है उसको पढ़ ही नहीं रहे।
अब उसको पढ़ नहीं रहे तो रट्टू तोता हो जा रहे। आदमी का ब्रेन तो तब होता है ना जब कंपेरेटिव देखे। अच्छा ये बताओ ये अमेरिका में ये है, सिंगापुर में ये है, फ्रांस में है, भारत में ये है, कंपेरेटिव में बेटर क्या है वो देखे। भारत में 1700 ला कॉलेज है, हर ला कॉलेज साल में अगर एक कानून का बढ़िया ड्राफ्ट बना के दे दे तो साल में कितने बन कानून नए बन गए, 1700। कोई खर्चा आया सरकार का नहीं, सरकार को बैठे बैठाए 1700 बेस्ट कानूनों का ड्राफ्ट मिल गया। हमारे युवाओं को अच्छा इस पे लर्निंग हो गई, उनके साथ जो फैकल्टी है उनको भी बढ़िया, उनके साथ भी एक रिसर्च का उनके मौका मिला, इंटरेक्शन का मौका मिला, वो भी सीख लिए। तो सबसे पहले जस्टिस विदिन ईयर के लिए कानून बदलना पड़ेगा। दूसरा, भारत में एक वन नेशन वन पिनल कोड लागू करना पड़ेगा। भारत में हमने क्या किया, करप्शन और क्राइम के लिए कानूनों का मकरजाल बना रखा है। जैसे आप लोग डायरी यूज करते हैं, अगर आपकी जनवरी की एक डायरी हो, फरवरी की एक डायरी हो, मार्च की एक डायरी हो, अप्रैल की एक डायरी हो, मई की एक डायरी हो, साल की 12 डायरी हो, उसको मैनेज करना मेंटेन करना आसान है या 12 महीने की एक डायरी हो उसको आसान है? जोर से बोलिए जरा, अगर एक डायरी आसान है। ऐसे ही जो हमने घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी अलग कानून, नशा तस्करी अलग कानून, मानव तस्करी अलग कानून, घुसपैठ अलग कानून, धर्मांतरण अलग कानून, ये अलग कानून, अवैध निर्माण अलग कानून, फलाने अलग कानून, ये जो 50 कानूनों का मकरजाल बना रखा है इसको मर्ज करके अगर वन नेशन वन पिनल कोड बना दे तो FIR लिखना आसान हो जाएगा, जांच करना आसान हो जाएगा, वकील के लिए भी आसान हो जाएगा, जज के लिए भी आसान हो जाएगा, सबके लिए आसान हो जाएगा। भारत में अगर वन नेशन वन पुलिस कोड बना दे, आज की डेट में दिल्ली वाली पुलिस अलग तरीके से काम करती है, बंगाल वाली पुलिस ऐसा काम करती है कि FIR लिखवाने के लिए संदेश खाली में हाई कोर्ट जाना पड़ता है, केरल वाली पुलिस बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है, और आजकल यूपी में बाबा की पुलिस बिल्कुल अलग तरीके से काम कर रही है। यूपी की पुलिस अलग तरीके से काम करती होगी, आपको पता होगा ना, धड़ाधड़ बुलडोजर चलते हैं। बंगाल में बुलडोजर क्यों नहीं चलते, केरल में बुलडोजर क्यों नहीं चलते, बाकी जगह क्यों नहीं चलते, क्यों? क्योंकि पुलिस हमारे स्टेट सब्जेक्ट बना हुआ है। तो वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करने के लिए संविधान का शेड्यूल 7 बदलना पड़ेगा। अब शेड्यूल 7 बदलना है तो आपको लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी चाहिए, राज्यसभा में 2/3 चाहिए। मान लीजिए वर्तमान जो सबसे बड़ी पार्टी है NDA, इसके पास राज्यसभा में 117 सांसद हैं, यानी सिंपल मेजॉरिटी से भी 4 कम है। दूसरा क्या तरीका है, लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट बैठक बुलाई जाए, उस ज्वाइंट बैठक में 521 सांसद कहें वन नेशन वन पुलिस कोड होना चाहिए, 521। तो राज्यसभा में 117 है, टोटल चाहिए 521, तो लोकसभा में कितना चाहिए, 521 माइनस 117 कितना हो गया, 404। तो अब की बार कितना चाहिए वन नेशन वन पुलिस कोड बनाने के लिए, जोर से बोलिए 404। अब की बार, अरे वो अब की बार 400 पार तब होगा जब आप वोट करोगे, आपके दोस्त वोट करेंगे, आपके रिश्तेदार वोट करेंगे, आपके मोबाइल में जितने लोगों का कांटेक्ट है सबको SMS करोगे, सबको फोन करोगे, सबको WhatsApp पे मैसेज डालोगे, अपने Facebook पे लिखोगे, अपने Twitter पे लिखोगे, अपने Instagram पे लिखोगे, तब तो 400 पार होगा। 400 पार करने के लिए 80% वोटिंग चाहिए, 80% वोटिंग हो जाए 400 पार हो जाएगा, 400 पार हो जाएगा वन नेशन वन पुलिस कोड भी बन जाएगा, वन नेशन वन पिनल कोड भी हो जाएगा। 400 पार करने के लिए झूठ को गंभीर अपराध बनाना पड़ेगा। हमारे देश में झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आर्टिकल 19 को पढ़ना, आर्टिकल 19 में बोलने की जो आजादी है उसमें कोई लिमिट है क्या? नहीं। आप झूठ बोलो वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच, और ईमानदारी से बोलो वो भी। तो क्या करना पड़ेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर हेल्थ एंड मोरालिटी, एक लिमिट लगाना पड़ेगा, यानी आर्टिकल 19 को बदलना पड़ेगा। तो झूठ को गंभीर अपराध बनाने के लिए आर्टिकल 19 को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट चेंज करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है, 2/3 बहुमत के लिए राज्यसभा में 117 है, तो लोकसभा में कितना चाहिए, जोर से बोलिए अब की बार 400। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन,
यानी संगठन बनाने का अधिकार आर्टिकल 19 से आता है। ये एकल अभियान भी आर्टिकल 19 के अंतर्गत बना हुआ है। अब संविधान सभा के सदस्यों ने ये तो सोचा था चलो कल को एकल अभियान बनेगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कल को PFI भी बन जाएगा। तो ये PFI जो बना हुआ है ये बनना चाहिए क्या? एकल अभियान होना चाहिए लेकिन PFI बनना चाहिए क्या? नहीं। तो आर्टिकल 19 में बदलना लिखना पड़ेगा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर हेल्थ एंड मोरालिटी, तब जाके आप PFI पे कंप्लीट बैन कर पाएंगे। अभी PFI पे 5-5 साल का बैन लगता है। क्यों? क्योंकि संविधान का आर्टिकल 19 उसको अधिकार दे रहा है। हम चाहते हैं देशद्रोही संगठन, भारत के खिलाफ संगठन जो जितने हैं उनको परमानेंट बैन हो जाए। वो बैन तभी लग सकता है जब आर्टिकल 19 में चेंज किया जाए। भारत में दुनिया के सारे देशों ने झूठ को पकड़ने के लिए, सामान्यतया अधिकांश एडवांस कंट्रीज ने झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बना लिया। हमने भी AI पे काम शुरू कर दिया। AI में इतनी तरक्की हो रही है, लेकिन झूठ को पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है और झूठ को पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि झूठ बोलना गंभीर अपराध हो, आर्टिकल 19 बदलना पड़ेगा और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बने और हर जिले में एक लैब बने, आर्टिकल 20 बदलना पड़ेगा। अब आर्टिकल 20 बदलना पड़ेगा, 20 फंडामेंटल राइट है, इसलिए अब की बार भारत में जस्टिस फंडामेंटल राइट है, लेकिन जस्टिस विद इन आवर की जस्टिस विद इन डे की जस्टिस विद इन मंथ की जस्टिस विद इन वीक या जस्टिस विद इन डिकेड कहीं लिखा नहीं है। तो संविधान में एक आर्टिकल ऐड करना पड़ेगा, सिटीजन हैव राइट टू जस्टिस विद इन ईयर। अब इतना लिखने के पहले, जैसे आर्टिकल 21 था राइट टू लाइफ लिबर्टी, शिक्षा का अधिकार आया तो आर्टिकल 21A हो गया, उसी में जस्टिस का अधिकार, जस्टिस विद इन ईयर, आर्टिकल 21B करना पड़ेगा, एक 21B जोड़ना पड़ेगा। अब 21B जोड़ने के लिए फंडामेंटल राइट को बदला जाएगा, इसलिए अब की बार क्या करना पड़ेगा, भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो जाए ना तो लोग भयबिन होए प्री भय से रहेंगे। तो दो काम करना पड़ेगा, समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा और जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। अब समान शिक्षा लागू करने के लिए आर्टिकल 21A को बदलना पड़ेगा। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि भारत में हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां भारत की संस्कृति के प्रति नफरत सिखाई जाती है। भारत में हजारों ऐसे स्कूल हैं जहां संविधान के खिलाफ शिक्षा दी जाती है। संविधान कहता है इक्वेलिटी, उन स्कूलों में कहा गया है कि सब समान नहीं होते। संविधान कहता है फ्रेटेंटी, वो कहता है नहीं, वसुधैव कुटुंबकम ठीक नहीं है। संविधान कहता है नेशनल इंटीग्रेशन, उनका कहना नहीं, वंदे मातरम बोलना ही गड़बड़ है। भारत के हजारों स्कूलों में भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत के ज्ञान विज्ञान, भारत के दर्शन, भारत की सोच, वसुधैव कुटुंबकम, नारी तो नारायणी, यत्र नारस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, सर्व मंगल मांगल्ये, ये नहीं सिखाया जाता, इसका उल्टा सिखाया जाता है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें कम से कम 10वीं तक समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा। वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन करिकुलम। गुजरात वाला गुजराती में पढ़ेगा, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़ेगा, बंगाल वाला बंगाली में पढ़ेगा, लेकिन सिलेबस और करिकुलम एक करना पड़ेगा। अगर दिल्ली के एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश में रेलवे घूम सकती है तो दिल्ली के एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश में एजुकेशन नहीं चल सकता क्या? हो सकता है। अगर कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ सकते थे पहले, तो आज की डेट में अमीर गरीब एक साथ नहीं पढ़ सकते क्या? अगर राम और निषाद राज एक साथ पढ़ सकते थे तो आज की डेट में नहीं पढ़ सकते हैं क्या? पढ़ सकते हैं। मेरा यह मानना है भारत में दो तरीके के लोग रहते हैं, एक वो जो भारत को मानते हैं, भारत की संस्कृति को मानते हैं, भारत की परंपरा को मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, नारी तू नारायणी को मानते हैं, सर्व मंगल मांगल्य को मानते हैं, वनस्पति शांति सब शांति इसको मानते हैं।
दूसरा इसको नहीं मानते। वो क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनको वो नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो सब नर करें परस्पर प्रीति, सबकी प्रीति तब होगी जब सबका सिलेबस एक होगा, जब सबकी शिक्षा एक होगी, जब सबका करिकुलम एक होगा। अब आप सोच रहे होंगे पहले तो एक था, फिर दुर्योधन कैसे पैदा हो गया? हाँ, अपवाद तो पहले भी पैदा होते रहे, कंस पहले भी था, पूरी दुनिया में समान शिक्षा थी फिर भी कंस पैदा हुआ, पूरी दुनिया में समान शिक्षा थी फिर भी दुर्योधन पैदा हुआ। लेकिन वो सोच तो देखिए, हमारे आप में से आपके रिश्तेदार नातेदार किसी का दुर्योधन नाम है क्या? किसी का रावण नाम है क्या? अरे ये तो छोड़ो, विभीषण नाम भी नहीं रखते, विभीषण भी नहीं रखते। लेकिन दूसरी तरफ आतंकवादियों, जिनको पता ये बहुत बड़ा आतंकवादी, फिर भी नाम रख लेते हैं बच्चों का। जिनको पता ये वहसी दरिंदा था, फिर भी उसके नाम पे बच्चों का नाम रख लेते। जिसको पता ये बलात्कारी था, उसके नाम पे बच्चों का नाम रख लेते हैं। तो ये तभी ठीक होगा जब समान शिक्षा होगी और समान नागरिक संहिता होगी। ये तभी ठीक होगा जब जस्टिस विद इन ईयर होगा। जस्टिस विद इन ईयर लागू करने के लिए संविधान में लगभग 20 बदलाव करना पड़ेगा। प्रियम्बल को दुरुस्त करने के लिए अब की बार 400 पार चाहिए। हमारे संविधान में जो भगवान राम कृष्ण लक्ष्मण की फोटो थी, भगवान महावीर की फोटो थी, गौतम बुद्ध की फोटो थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो थी, रानी लक्ष्मीबाई की फोटो थी, उन सभी फोटो को वापस लाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। हम चाहते हैं 1 नेशन 1 पुलिस कोड हो, उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए। हम चाहते हैं 1 नेशन 1 सिविल कोड हो, उसके लिए 2/3 चाहिए। हम चाहते हैं जस्टिस विद इन ईयर हो, उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए। हम चाहते हैं कि भारत में अपराध करने से पहले लोगों में खौफ पैदा हो जाए, उसके लिए भी चाहिए। हम चाहते हैं अगर तुष्टीकरण खत्म हो जाए, आर्टिकल 29-30 को बदलना पड़ेगा, उसके लिए भी 2/3 बहुमत चाहिए। हम चाहते हैं धर्मांतरण रुक जाए, आर्टिकल 25 में से प्रोपोगेट शब्द निकालना पड़ेगा, उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए। तो भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए, भारत में रामराज्य स्थापित करने के लिए, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए संविधान में कम से कम 20 बदलाव करना पड़ेगा। और वो 20 बदलाव करने के लिए आपको लोकसभा में 404 सीट चाहिए। वो तभी होगा जब सब लोग वोटिंग करें, सबके रिश्तेदार वोटिंग करें, सबके नातेदार वोटिंग करें, सब लोग एक दूसरे को जगाएं व्हाट्सएप के जरिए, एसएमएस के जरिए, फ़ोन करके, अपने अपने सोशल मीडिया के जरिए। मेरा ये मानना है इसको करना बहुत ज़रूरी है। आने वाला टाइम हमारे लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण समय है। कहते नहीं, मेकिंग आर ब्रेकिंग, ये मेकिंग भी हो सकती है, ब्रेकिंग भी हो सकती है। अगर हम सब लोग जग गए तो मेकिंग होगी, नहीं तो ब्रेकिंग होगी। और ब्रेकिंग क्यों कह रहा हूं? अरे जहां से माता गांधारी आई थी, जहां 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू प्रधानमंत्री थे, उस गंधार को आज की डेट में अफगानिस्तान कहते हैं। फटेहाल है, बदहाल है, रोटी कपड़े के वहां पे मारा पीटी हो रही है, हो रही है कि नहीं? राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, आज की डेट में उसको पाकिस्तान कहते हैं। फटेहाल है, बदहाल है, रोज बम धमाके हो रहे हैं, रोज एक दूसरे को लोग मार रहे हैं। हमारा पूर्वी बंगाल, आज की डेट में उसको बांग्लादेश कहते हैं। फटेहाल है, बदहाल है, क्या क्या हो रहा है सबको पता है। हम चाहते हैं हमारे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहें, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, बच्चों के बच्चे सुरक्षित रहें, हमारी जनरेशन पूरी सुरक्षित रहे, खुशहाल रहे, मिलजुल के रहे। वो तभी हो सकता है जब कानूनों में बदलाव किया जाए। भारत की ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो लाइलाज है, भारत की ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। हर समस्या का समाधान है, लेकिन उसकी दवाई बनानी पड़ेगी। याद रखिए, बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं करता, बीमारी किससे ठीक होती है? दवाई से। डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, दवाई बदलने से बीमारी ठीक होती है। अगर जो समस्या भारत में है दुबई में नहीं है, यानी दुबई वाली दवाई अच्छी, हमारी दवाई गड़बड़ है। जो समस्या भारत में है सिंगापुर में नहीं है, यानी सिंगापुर की दवाई अच्छी है, भारत की अच्छी नहीं है। जो समस्या भारत में है जापान में नहीं है, उनकी दवाई अच्छी है, हमारी दवाई गड़बड़ है। और दवाई से मतलब है नियम कानून। 80% समस्याओं का समाधान नियम कानून बदल के हो सकता है। आशा करता हूं आने वाले टाइम में इसमें बदलाव आएगा, लेकिन 2-4-6 लोगों के कहने से नहीं आएगा। जब पूरा समाज इसके लिए खड़ा हो जाएगा तब आएगा। मुझे आप लोगों पे भरोसा है, यंग जनरेशन पे भरोसा है। यंग जनरेशन आज की डेट में बहुत ही सोच विचार करने लग गई है। आप समस्या को अगर देखेंगे, उसकी वाई एनालिसिस करेंगे, किसी भी समस्या में 5 बार वाई लगाएंगे, तो अंत में समझ में आएगा या तो कानून घटिया है या तो जनसंख्या बढ़ गई है।
तो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बनाना पड़ेगा और जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। अगर ये दो कर दिया भारत में राम राज्य आ जाएगा, नहीं तो जैसे है ऐसे ही चलता रहेगा। आशा करता हूँ आने वाले टाइम में राम राज्य आएगा। इसी विश्वास का अपनी बात खत्म करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।